Assalamualaikum. बस हम कुछ देर में स्टार्ट करने लगे हैं वेट कर रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लें तो हम अपनी पहली क्लास ऑफिशियली स्टार्ट करें हाँ जी तो मैं ज़रा एक बार ग्रुप पर अनाउंस कर दूं ज्वाइन करने के लिए और फिर जो है वो बस हम क्लास स्टार्ट करते हैं सही है आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे आज हमारी बैच नंबर सिक्स की बिल्कुल ही पहली क्लास है तो हम बस इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं विद इन टू मिनट्स अच्छा मीनवाइल uh, मुझे आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों की सर हसन के साथ जो है वो कितनी क्लासेस हो चुकी हैं सर हसन मारफानी के साथ आप लोगों की मेरे ख्याल में दो तीन क्लासेस हो चुकी होंगी और आप लोगों ने जो है वो अकाउंटिंग स्टार्ट कर दी होगी करेक्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया होगा ठीक है और आ, सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो बताई होंगी तो आज की हमारी जो पहली क्लास है ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास ही होगी और इसमें मैं आप लोगों को जो है वो चीज़ों के बारे में गाइड वगैरह कर देता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ाई हम इनशाला नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न ये है कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है न, वो अभी हमें ज्वाइन करेंगे तो जब सारे स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेंगे आज अगर मैं पढ़ा दूंगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो सकता है कि लॉस हो जाए तो जब हमें आ, सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे एक दो क्लासेस में इनशाला फिर हम प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर देंगे आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँगा उसके अलावा जो है वो मैं आपको किताबों के बारे में बता दूंगा ठीक है जी सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा अच्छा सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि यार मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे जो है ना अपने कंप्लीट नाम के साथ मुझे ज़रा एक व्हाट्सएप मैसेज कर दें अच्छा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं आ, लेकिन उन क्वेश्चंस को मैं कुछ देर बाद एड्रेस करूंगा ज़ाहिर है पहली क्लास है अभी आप लोगों के भी बहुत सारे सवाल होंगे उन सारे सवालों को भी मैं एड्रेस करता हूं बट पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लूं कुछ बातें हम लोग कर लें उसके बाद फिर आप अपने सवाल भी मुझसे पूछ लीजिएगा हो सकता है कि जो बातें मैं करना चाह रहा हूँ अगले दस पंद्रह मिनट में उसमें मैंने आप लोगों को आप लोगों के सवाल जो सोच रहे हो आप लोग उसके जवाब दे दिए हूँ एक काम तो आप ये करें कि आप लोग सब जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप करें आ, अपने नंबर से मेरे नंबर पर प्लस नाइन टू थ्री फोर फाइव थ्री जीरो एट सिक्स थ्री वन टू ठीक है जी प्लस नाइन टू थ्री फोर फाइव थ्री जीरो एट सिक्स थ्री वन टू आप मुझे पर्सनली एक मैसेज करो और इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिखना ताकि मैं नाम को कॉपी करूं और उसको मैं कर दूं पेस्ट ठीक है जी कॉपी अब आप, आप लोगों का नाम और उस नाम को मैं जो है वो पेस्ट कर दूं ताकि मैं आप लोगों का नंबर सेव कर लूं तो आप सब इंडिविजुअली मुझे नंबर वन व्हाट्सएप कर दें और व्हाट्सएप में सिर्फ और सिर्फ अपना कंप्लीट नाम मेंशन करिएगा साथ में कुछ भी नहीं ताकि मैं आप लोगों का नंबर जो है वो अपने पास सेव कर लूँ तो सिर्फ और सिर्फ नेम सिर्फ और सिर्फ नाम आप लोग अपना व्हाट्सएप कर दें दूसरा आप लोगों का जो आ, ग्रुप बना हुआ है जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में अटेंडेंस लाजमी मार्क कर दें ठीक है जी जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपनी जो अटेंडेंस है ना उसको जरूर मार्क कर दें ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो मार्क हुई भी हो सही है अच्छा अब यहाँ पर अ, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ मैं सर हसन मारफानी हम दोनों जो है वो बैचमेट्स ही हैं यानी कि दोनों ने अपनी सी की जर्नी जो है वो साथ साथ ही करी मैं ख़ुद जो हूँ वो प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलियट हूँ ए सी सी मेम्बर हूँ ए पी एफ ए का मेंबर हूँ चलते फिरते बी कॉम भी कर लिया था और एम इकनॉमिक्स के कुछ पेपर भी दे दिए थे कुछ डिप्लोमास भी हैं एडवांस डिप्लोमास भी हैं छः सात नेशनल पोजिशन हैं सी ए और ए सी सी और जो स्पेसिफिकली पेपर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विच इज पी आर सी टू जो पहले ए एफ सी थ्री होता था और उससे पहले जब हम लोग होते थे तो मॉड्यूल ए में कॉम्पिटेटिव मेथड्स के नाम से कॉम्पिटेटिव मेथड्स एंड टेक्निक के नाम से पेपर था मैं खुद खुद इसका मेरिट होल्डर भी रह चुका हूँ अच्छा मेरिट होल्डर कौन होता है मेरिट होल्डर जो होता है ना वो नेशनल यानी कि पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने वाला स्टूडेंट होता है तो पीआरसी में तो अब मेरिट होल्डर्स नहीं है लेकिन जब ए होता था और जब मॉड्यूल सिस्टम होता था तब उसमें मेरिट यानी कि नेशनल पोजीशन आई क्यूएम क्यू के पेपर में भी डिक्लेयर करता था अब पीआरसी के बाद कैफ के पेपर्स में नेशनल पोजीशन डिक्लेयर होती है लेकिन पीआरसी के पेपर्स अब हर महीने हो रहे होते हैं तो उसमें आ, नेशनल पोजिशन जो है वो अब डिक्लेयर नहीं होती हैं पहले बिल्कुल होती थी ठीक है तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था अच्छा मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है सर हसन तो भाई बैंक में है तो आप इतना क्वालिफाई होकर काम क्यों नहीं कर रहे हो पढ़ा क्यों रहे हो तो उसके बहुत सारे रीजंस है भारत में मैंने 2016 तक मैंने भी काम किया है सर हसन और मैं दोनों एक साथ ई में थे अर्नस्ट एंड यंग जहाँ से हमने अपनी आर्टिकल्स पूरी करी सर हसन ने भी और मैंने भी आप लोगों को ये तो मालूम है ना कि आप जब कैफ के पेपर्स निकालोगे उसके बाद आपने एक मैंडेटरी अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है अपनी आर्टिकल्स पूरी करनी है करेक्ट तो वो जो आर्टिकल्स है वो जो ट्रेनिंग है उसके बारे में मालूम है आप लोगों को आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव भी रखें यस yes या नो के जरिए अपना कुछ बातचीत करें तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग एक्टिव हैं या नहीं बिल्कुल तो मेरी और सर हसन की दोनों की ईवाई की ही आर्टिकल्स है उसके बाद मैं फुल टाइम टीचिंग में आ गया मुख्तलिफ इंस्टिट्यूट के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया और सरहसन जो है वो अपने uh, क्या कहते हैं पार्ट टाइम पढ़ा रहे थे और साथ में जो है वो काम करना शुरू हो गए और बैंक में जॉब कर रहे हैं तो ये कुछ मेरा इंट्रोडक्शन था अच्छा आ, पी आर सी टू में तो पी आर सी में तो अब मेरिट्स नहीं आते लेकिन ए एफ सी जब मैं पढ़ाता था तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरिट सर्टिफिकेट्स आए और मेरे स्टूडेंट्स के आए और ऐसा भी हुआ कि एक ही क्लास में दो दो तीन तीन नेशनल पोजिशन होल्डर्स भी होते थे रीज़न ये है कि जब मार्क्स आपके टाई कर जाएँ तो एक से ज़्यादा भी मेरिट होल्डर्स जो है वो आपको नज़र आते हैं अच्छा अब पी टू की स्पेसिफिकली बात करूं अपने इंट्रोडक्शन के बाद तो देखें इसमें दो एक एक है है मैथ्स का 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 एरिया और एक है का एरिया का एरिया और स्टैट्स स्टैट्स आप लोगों को सर नहीं पढ़ाएंगे और मैथ्स का एरिया जो है वो मैं आप लोगों को खुद से मैं पढ़ा रहा तो आपके पास पी टू में दो एरियाज होंगे मैथ्स और स्टैट्स मैथ्स मैं खुद पढ़ाऊंगा स्टैट्स सर नहीं पढ़ा रहे होंगे इस तरह से आप लोगों का पी टू का जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा और मैथ्स में कितने चैप्टर्स हैं ये भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ आप अपने पास लिख सकते हैं मैथ्स में चैप्टर नंबर वन से चैप्टर नंबर सिक्स हैं और स्टार्ट से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर सेवन से और पंद्रह तक जाता है अच्छा पेपर की वेटेज क्या है क्या सर क्या सर दोनों का पेपर एक साथ होगा क्या सर दोनों के मार्क्स एक बराबर होंगे ये भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ देखिए मैथ्स की वेटेज थोड़ी सी कम है तीस से चालीस मार्क्स शायद मैथ्स की साइड से आएंगे अराउंड सिक्सटी सेवेंटी मार्क्स जो है वो स्टैट्स की साइड से आएंगे सर so, मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एक लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है और फाइनेंशियल मैथ्स मैथमेटिक्स ठीक है ना ये आपका बनता है चैप्टर नंबर चैप्टर फोर फाइव एंड सिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आप लोगों के मैथ्स के एरिया के जहां तक स्टैट्स की बात है आ, स्टैट जो है वो सर नहीं डिस्कस करेंगे अच्छा यहां पर मैं ये जानना चाहूंगा कि क्यू ए टी वाले कितने बच्चे हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्यू ए टी देंगे अच्छा जो क्यू ए टी में वो क्यू ए टी लिख कर मैसेज कर दें और जो पी आर सी में डायरेक्ट आए वो पी आर सी लिख कर मैसेज कर दें क्यू ए टी वाले क्यू ए टी लिख दें मैं आपके मैसेज देखता हूँ पी आर सी वाले पी आर सी लिख दें ठीक है अच्छा थोड़ा सा आ, मैं क्यू को भी साथ साथ लेकर चलूं देखिए आपके क्यू का पेपर उन बच्चों को देना होता है जिनके मार्क्स फिफ्टी और सिक्सटी के बीच में आते हैं क्यू आई की तैयारी कैसे होगी मैं आप लोगों को अब आहिस्ता आहिस्ता गाइड करूंगा अभी तक तो आपकी ओरिएंटेशन काउंसलिंग गाइडेंस सेशन चल से रहे थे आप लोगों को छह सात आठ लेक्चर्स दिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है वो सब आई होप आपने देख लिए होंगे एस एफ एस प्रोग्राम के बारे में आपने जो लेसन है जो लेक्चर है वो देख लिया होगा क्यू के बारे में जो लेक्चर है जो लेसन है वो आपने देख लिया होगा एक दो लेसन से ओरिएंटेशंस आई होप कि आप लोगों ने जो है वो देख ली होंगी और सारे सेशंस आपने कवर कर लिए होंगे सी क्या है ये भी पता चल गया होगा दो ओरिएंटेशन हुई ग्रुप बना हुआ है उसमें सारी डिटेल्स थी नाउ कमिंग टू दी पढ़ाई तो भाई क्यू का आपका जो पेपर है ना उसको तैयार करने के लिए कुछ लेक्चर्स मैं आप लोगों को दूंगा प्लस मैं आई का मॉडल पेपर दूंगा प्लस आप लोगों ने पी आर सी टू और पी आर सी वन ठीक है पी आर सी टू और पी आर सी वन की सारी क्लासेस नहीं है अगर आप पी आर सी वन और पी आर सी टू कर लेते हो कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स में देता हूँ और मॉडल पेपर देता हूँ वो कर लेते हो लेकिन ये पूरा प्रॉपरली कर लो अगर आ, तो आपके क्यू ए टी के पेपर की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है अच्छा पी आर सी टू मैं स्पेसिफिकली बता दूँ कि क्यू ए टी में मैथ्स का एरिया है और मैथ्स के जो चैप्टर्स हैं ना वन टू फोर ये आपका क्यूएटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ठीक है ना इसी तरह से आप जो है वो क्यूएटी की थोड़ी सी रिसर्च यूट्यूब पर भी कर सकते हैं क्यूएटी आई की ऑफिशियल क्लासेस अभी तक एज ऑफ नाउ सैलानी पर इसलिए कंडक्ट नहीं होती क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं लेकिन हम उनको गाइड कर देते हैं ठीक है ना मैं एक काम करता हूँ साथ में मैं आप लोगों का एक क्यूएटी का ग्रुप बना गया आप लोग सब उस ग्रुप पर हो ना आज मैं क्यू के ग्रुप पर ना कुछ एक लिस्ट भेज दूंगा लेक्चर्स की जो आप लोग देख लीजिएगा तो ये क्यू वाले बच्चों के बारे में बाकी आप पी आर की और वन की क्लासेस लें उससे आपकी पी की भी तैयारी हो रही होगी क्यू की भी तैयारी हो रही होगी कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स और मॉडल पेपर्स मैं आप ग्रुप पर भेजना शुरू करूंगा आपको उससे आपकी और तैयारी होगी अब आप उस फेज से निकल आए हो जिस फेज में आपने पिछले छह सात लेक्चर्स जिसमें सी क्या है एस क्या है क्यू क्या है सीए के कि कितने पेपर्स होते हैं फीस पूरी माफ होगी या नहीं होगी वो सारी वीडियोस आपने देख ली है तो अब आपने पढ़ने की तरफ आना है ठीक है तो क्यूएटी वाले जितने भी बच्चे हो फिक्र नहीं करो अब आज के लेसन ऑनवर्ड्स आपको चीजें जो है वो मिलती जाएंगी हाँ तैयारी में डिपेंड करता है कि भाई आपकी आ, कितनी अच्छी तैयारी है या कैसी तैयारी है उस हिसाब से आप दो तीन महीने के अंदर अंदर क्यू का पेपर दे सकोगे अच्छा यार सच सच एक बात और बताना सच सच बताना लेकिन वो ये बताओ कि भाई कितने ऐसे बच्चे हो इस क्लास में जिन्होंने जो पेपर दिया ना मतलब अपना क्या कहते हैं उन्होंने इंटर कंप्लीट किया वो इंटर उन्होंने जुगाड़ू तरीके से कंप्लीट किया यानी कि भाई पांच में से ये तीन सवाल कर लेते हैं पास हो जाते हैं दो के बजे आधा घंटा पढ़ लेते हैं पास हो जाते हैं ठीक है या किसी और तरीके से आप समझ सकते हो कि आपने इंटर पास किया ऐसे कौन बच्चे हैं अच्छा लाइबा मैं आपके जवाब देता हूँ थोड़ी देर में हाँ जी कोई ऐसा बच्चा है कि जिसने इंटर जो है ना वो ऐसे न्यू न्यू चलते 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 कर लिया बस हो गया ठीक है ना इंटर आया इंटर आया इंटर आया पेपर आए पेपर आए पेपर आए पेपर गए पेपर गए पेपर गए रिजल्ट आया इंटर हो गया अगर तो कोई ऐसा बच्चा है जिसकी परसेंटेज सिक्सटी फाइव परसेंट से भी कम आई है इवन सिक्सटी सिक्सटी फाइव के बीच में आई है या कोई यूं समझता है घर पर जाकर सोचता है कि हाँ यार मैंने इंटर जुगाड़ू तरीके से किया था मैट्रिक किया कोविड में इंटर में कुछ समझ नहीं आता था ठीक है ना तो वो बच्चे वो बच्चे भी लाजमी तौर पर लाजमी तौर पर क्यू ए टी के लेक्चर देखें क्योंकि होता क्या है कि आप जो है ना जज्बात में आकर ना बस इंटर से आते हो बोलते हो ये सी ए स्टार्ट किया और ख़त्म कर लेंगे फिनिश और बहुत मेहनत करेंगे हम ना हम तो सोएंगे ही नहीं और हम जो है ना वो पढ़ते ही रहेंगे पढ़ते ही रहेंगे हमारा इंटर अच्छा नहीं हुआ था तो क्या हुआ हम इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे इतना पढ़ेंगे ना कि हम बस पहली अटैम्प्ट में सी कर रहे होंगे दुनिया के पहले बंदे बन जाएंगे हम जिसने एक साल के अंदर सी किया या आप लोगों के अंदर जो है ना वो आग लगी हुई है ना तो बेटा अगर तो तुम्हारा इंटर तमीज़ व तहजीब से नहीं बना और तुम ये सोच रहे हो कि भाई पुराना जो हुआ वो तेल लेने गया हम जो है वो आगे वाला आराम से और अच्छे से करेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला आपको क्यू ए टी के लेक्चर्स भी देखने होंगे अच्छा अब कुछ सवाला मैं ले लेता हूँ यहाँ तक के अच्छा एक सवाल आया सर अभी तक सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया देखो अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में आपके सत्तर परसेंट से कम मार्क्स थे तो सेकेंड ईयर में आपके पैसठ या पैसठ से कम ही आएंगे तो आप क्यू ए टी के लेक्चर्स जो मैं भेजूं, जो एक्स्ट्रा कंटेंट दूं, बल्कि मैं तो बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा तो मैं प्लस माइनस एड मैं ये भी चीजें बताना पसंद करूंगा तो वहीं से हम स्टार्ट करें ज्यादा बेहतर होगा आ, कुछ और लोगों के सवालत मैं देख लेता हूँ अच्छा सेवेंटी एट पॉइंट फाइव फाइव आई थी अगर आपको लगता है कि सत्तर से ऊपर ही रहोगे आप तो आप डायरेक्टली स्टार्ट करो अच्छा हाँ प्री मेडिकल क्या करें प्री मेडिकल वाले भी क्यू ए टी के लेक्चर्स देखें क्योंकि आप अगर प्री मेडिकल वाले हो तो आपको जो है वो वन प्लस वन टू भी करे हुए दो साल हो गए और दो साल पहले था कोविड तो आपकी तो मैथ से अच्छी जान पहचान और दोस्ती रही नहीं तो प्री मेडिकल वाले जितने बच्चे हो उनको उनको पूरा क्यू तैयार नहीं करना ये नहीं समझना कि तीन महीने क्यू आई के एक्स्ट्रा लगाया फिर पी शुरू नहीं 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 ऐसा नहीं करना मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट देता हूँ वो एक्स्ट्रा कंटेंट आप देखो शुरू में डेली क्लासेस आपकी पीआरसी की नहीं होंगी शुरू में आप लोगों की पीआरसी की क्लासेस कंपैरेटिवली बहुत कम हो रही होंगी दो तीन सब्जेक्ट की क्लासेस हो रही होंगी बहुत कम हो रही होंगी एक एक हो रही होगी तो आपके पास टाइम होगा उस टाइम में आप जो क्यू के बेसिक लेक्चर्स है ना वो एक बार थ्रू कर लो चाहे तेजी से फास्ट फॉरवर्ड में देख लो मसला नहीं है तो सेवेंटी परसेंट है ट्वेल्थ में उसके लिए मसला नहीं है अगर वो प्री मेडिकल लगा नहीं है सत्तर परसेंट मार्क्स भी आए हैं कॉमर्स भी है और तमीज़ से इंटर किया है मसला नहीं है पी आर सी से डायरेक्टर साइड मैंने सेकेंड ईयर में एक्सपेक्ट की है ठीक है अगर मांगे आपको लगता है कि आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे और आपने तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहते हुए इंटर किया है और इंटर भी आपने मेडिकल से नहीं किया है कॉमर्स वगैरह से किया है तो आप जो है वो क्यूएटी के लेक्चर ना देखो चल जाएगा और कोई सवाल किसी का ठीक है तो बस कहने का मकसद ये था कि भाई कुछ हद तक आपने क्यूबेटी के लेक्चर्स को देखना होगा इवन uh, आपने अगर इं, इंटर किया हुआ है लेकिन आपका इंटर है ही मेडिकल में अब जाहिर सी बात है कि आप प्लस माइनस एड मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट भी रिवाइज करना चाहोगे डेस भी रिवाइज करना चाहोगे बेसिक बेसिक मैथ्स जो आपने पढ़ी थी सर आई एम फ्रॉम प्री मेडिकल बट सर मै मैथ्स इज़ गुड सो मै जवेरिया एक काम करना फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना वो होता है ना ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई फोर एक्स आप उसमें देख लेना अलबत्तः देख जरूर लेना उससे फायदा ये होगा चीजें रिकॉल हो जाएंगी रिवाइज हो जाएंगी मैथ्स में जो चीज दस मिनट में समझ आनी है वो दो मिनट में समझ आ, आ जाएगी इंजीनियरिंग परसेंटेज इंजीनियरिंग से तो मैं क्यूएटी नहीं देखो मेरे साथ दो गए नहीं क्यूएटी बेटा दो गए नहीं क्यू ए जिसके सत्तर आए उसने भी क्यू ए का पेपर नहीं देना जिसके पैसठ मार्क्स आए उसने भी क्यूएटी का पेपर नहीं देना जिसके अड़सठ मार्क्स आए उसने भी क्यूएटी का पेपर नहीं देना है पेपर देने की तो बात ही नहीं कर रहा पेपर तो आपने तब देना जब आपके सिक्सटी से कम मार्क्स आए मैं इस बात की बात कर रहा हूं कि भाई अगर आपने आ, इंटर में तीर मारा था इंटर में प्री मेडिकल पढ़ा था इंटर के मार्क्स आपके सत्तर से, से कम थे तो एहतियातन क्यू ए टी के लेक्चर्स आप देख लें इससे आपको फायदा ही होगा ना ठीक है सर मेरी परसेंटेज पचहत्तर परसेंट है क्यू ए टी के ग्रुप में ऐड हो सकते हूँ ताकि भाई हाँ हारिस से आप आ, डिस्कस कर लो ठीक है ना सजेसन में बता दें अच्छा सलमान बत, सलमान बताओ एग्जामेशन का क्या पूछना चाहते हो पेवेंट में बता दें हाँ पी आर सी टू का पेपर पैटर्न मैं बता देता हूँ जना पी आर सी टू का जो पेपर पैटर्न होगा उसमें आपके पास फिफ्टी क्वेश्चन होंगे आपको वो क्वेश्चन दो घंटे में करने होंगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एम सी क्यूज होंगे ऑब्जेक्टिवज होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे मैच द फॉलोइंग होंगे फॉलोइंग होंगे फिल इन द ब्लैंक होंगे ब्लैंक स्पेस पे आपने अमाउंट पुट इन करनी होगी ड्रैक डाउन ऑप्शन होंगे इस तरह के होंगे ठीक है ड्रैक डाउन होंगे इस तरह के होंगे यानी कि वो एक लिस्ट होगी उसमें से आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा बुक्स भी बता देता हूँ अच्छा सर मैंने बी एस सी की है प्री इंजीनियरिंग सिक्सटी से सेवन परसेंट आइए अच्छा अनम सबसे पहला काम तो आप ये करो आप आई के की वेबसाइट पे जाओ आई के डॉट ओ आर जी डॉट पी के वहाँ से व्हाट्सएप चैट आ रहा होगा नौ नौ से पाँच के बीच में आई के की वेबसाइट पर आता है उनको मैसेज करो कि भाई मैंने यहाँ से बी एस सी की है मुझे कितनी एग्जैम्शन्स मिलेंगी एक जनरल रूल होता है एग्जेशन का लेकिन वो एग्जैम्पन्स जो है ना वो केस टू केस मिलती हैं तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से बैचलर्स किया है आपको उस हिसाब से एग्जामेशन मिलेंगी और फिर क्लेम कर फिर आप आगे पढ़ना शुरू करना आप क्लासेस लो पी आर सी की आप क्लासेस पी आर सी की लो लेकिन साथ में आप दो अच्छा बारह के लिए होती है। नहीं। इंटर के लिए कोई एग्जामेश बुक्स की हाँ शायद बारह इसकी इंटर के लिए इंग्लिश की मेरे ख्याल में एग्जामेशन अगेन आई केप इजिवेंट बॉडी आप आई डॉट ओ आर जी डॉट पी के पे जाकर आज क्या करना नंबर वन आप वहां पर सर्च करना एस एफ एस या गूगल पे लिख देना एस एफ एस प्रोग्राम बाय आई कैप गूगल पर लिख देना गूगल या फिर आई वेबसाइट पर जाना और लिखना एस एफ एस प्रोग्राम बाय आई तो आपको पता चलेगा आई की फीस आपको कैसे माफ करवानी है इसी तरह से गूगल और आई की वेबसाइट पर सर्च करना के एग्जामेशन का क्या क्राइटेरिया है ठीक है ना देखिए हम गाइड कर सकते हैं लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ आप थोड़ा सा जो है वो अपनी रिसर्च की एबिलिटीज को इंक्रीज करें आप खुद भी कुछ रिसर्च करें आप खुद रिसर्च करना सीखें आपस में ग्रुप से अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें और ग्रुप में भी शेयर करें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कोई भी एक बच्चा आप में से कर सकता है आज अच्छा सवाल अभी थोड़ा सा रोकते हैं मैं पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ूँ एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट आप लोगों ने करनी है आज के दिन में वो ये है कि आई की वेबसाइट पर या गूगल पे लिखना एडमिसेबल कैलकुलेटर्स इन आई केफ एग्जाम्स यानी कि आई केफ के एग्जाम में कौन कौन से कैलकुलेटर्स हम लेकर जा सकते हैं कौन कौन से कैलकुलेटर्स अलाउड हैं कौन कौन से कैलकुलेटर्स आप लेकर जा सकते हो वहाँ पर एक लिस्ट आएगी कैलकुलेटर्स की मेक श्योर sure कि आप लोगों का कैलकुलेटर उस लिस्ट में से ही है अच्छा सर इंग्लिश में मेरी सेवेंटी फोर परसेंट आई है क्या इंग्लिश में एक्जामेश मेरे ख्याल में सेवेंटी फाइव परसेंट पर एग्जामेशन होती है तो सेवेंटी फोर पर तो नहीं होगी लेकिन आई केफ इज़ रेलिवेंट बॉडी आई केफ से एक बार कंसल्ट कर लो उनसे पूछ लो एग्जेम्शन क्राइटेरिया क्या है बहस नहीं करना उनसे कि एक परसेंट तो है एक परसेंट तो है एग्जेम्पन दे दे नहीं देगा वो नहीं देगा ठीक है ना ये बहस नहीं करना मेरे ख्याल में सेवेंटी फाइव बनती है है ना बहस नहीं करना उससे सर मेरे बैकग्राउंड भी मेडिकल से है इंटरडियट बट में बहुत अच्छे मार्क्स है मैथ्स में लाइव बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में देखो ठीक है फास्ट फॉरवर्ड में देखो डिटेल में नहीं लेकिन देख लेना तो जी जो ये लेक्चर तो मिलेंगे बाद में क्या अच्छा जाहिर देखो होगा ये कि जो आप लोगों की लाइव क्लासेस हो रही है वो हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है आप लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस का लिंक मिल जाएगा आपके इसके थ्रू टाइम टेबल आपको अगले हफ्ते टाइम टेबल भी मिल जाएगा टाइम टेबल के जरिए आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो लाइव क्लासेस ज्वाइन करो लाइव क्लासेस अटेंड करो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए मेरे ख्याल में पोर्टल के चार्जेस हैं और वो कोई ज़्यादा नहीं है वो पंद्रह सौ रुपये एक सब्जेक्ट के हैं तो मेरे ख्याल में हर कोई अफोर्ड कर सकता है इस कोर्स की वैसे मार्केट में फ़ीस पंद्रह हज़ार बीस हज़ार रुपये एक सब्जेक्ट की चल रही होती है आपको सिर्फ पोर्टल की कॉस्ट पे करनी है तो मेरे ख्याल में आप पंद्रह सौ रुपये तो दे सकते हो उसमें आपको सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी सर सर इंग्लिश में फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में सेवेंटी सेवन में मार्क आए थे अच्छा सलमान मुबारक हो आपको आ, ओके सर सर क्यू का पेपर्स कब होंगे आयशा अभी क्यू पढ़ना शुरू करो वो तीन तीन महीने पे होता है मैं हारिस तो हारिस आज बिजी है मंडे को

ठीक है उस पर शेयर कर दो तो दूसरे बच्चे भी जो है वो उसको देख लें पढ़ लें समझ लें अच्छा जी मुझे लग रहा है आज भी ओरिएंटेशन की तरह सवाल ही हो रहे हैं अच्छा अगला क्या सवाल आया सर मैं ग्रेजुएशन हूँ बट काफ़ी टाइम हो गया है मैं सब पेपर्स देना चाहती हूँ और फी माफ़ करें हैं मुझे तो बिल्कुल आप आई के से बात कर लो एस एफ एस का क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो एग्जाम फीस आपकी माफ़ हो जाएगी और सैलानी पर लाइव क्लासेस तो वैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है सर मैंने बी ए किया है सेकेंड डिविजन में बोकारो को कवर आपको सर बेसिक्स के साथ फेब तक पी आर सी टू कवर हो जाएगा पी आर सी टू कवर करने में आपको चार महीने लगते हैं चार महीने लगते हैं यानी कि आप एक हिसाब लगा लो आपका नवम्बर दिसंबर जनवरी और फेब चार महीने लगेंगे मार्च में आप लोगों का इन मैं एग्जाम दिलवा दूंगा पी आर सी टू का पी आर सी टू का एग्जाम आपका मार्च में होगा तीन से चार महीने का टाइम लगता है ठीक है कुछ छोटे सब्जेक्ट्स हैं पी आर सी वन है पी आर सी फाइव है तो वो आप जल्दी कवर कर कर दे दें अच्छा सर बुक्स का बता दें बुक ही किया अच्छा हाँ। सारे बच्चों सुन लो भाई पी में आप लोगों को आई केफ की स्टडी टेक्स्ट की जरूरत है लाजमी 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 लाजमी, लाजमी पी आर सी टू के लिए आई केफ की स्टडी टेक्स्ट की ही जरूरत है उसके अलावा अगर कोई नोट्स अगर कोई हैंड आउट्स अगर कोई मटीरियल की नीड होगी तो मैं बैठा हुआ हूँ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूंगा आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छा भाई और क्या है भाई कहोगे सर बेसिक के साथ फैप्ट अच्छा सर बुक्स का बता दें सर वो की यूज़ करनी है बता दिया सर क्या नहीं, नहीं आ, वो पहले भी पी आर सी टू पढ़ाते नहीं थे वो ओरिएंटेशन वगैरह कंडक्ट कर रहे थे दानिया तो वो पहले होते थे स्टाफ में अब नहीं है सर बुक्स और स्टडी अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सवाल जो आए हैं वो देख लूँ सर पी से बीकॉम कॉम सिलेबस भी कवर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा पीआरसी से बीकॉम का सिलेबस लेकिन उसके पास पासपेपर आपको करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ डिफरेंट होता है थोड़ा सबर कर लो भाई सर आई के स्टडी टेक्सट कहाँ से मिलेगी अच्छा आई की स्टडी टेक्स कहाँ से मिलेगी आई की स्टडी टेस्ट जो है वो एक तो नंबर वन आई से आपको मिल जाएगी बाकी मैं कुछ बुक शॉप्स का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमर्स बुक पॉइंट है कॉमर्स बुक पॉइंट ये है आपका गुलशन में है आप इंटरनेट पर सर्च करो कॉमर्स बुक पॉइंट उनका नाम आएगा उनसे आप बुक्स की बात कर लेना वो आपसे डिलीवरी चार्जेस लेंगे आपके घर पर बुक्स को डिलीवर कर देंगे फिर अल अल्कफ़ील है उर्दू बाजार में उनसे आप पूछ लीजिएगा और एक और है अल जामिया ठीक है ये ना ये नाम मैं लिख रहा हूँ अगर कोई बच्चा अगर कोई बच्चा बड़ा मेहरबान है दिलेर है काम करने वाला है मेहनती है तो वो ये करे कि यार गूगल पे ये नाम लिखे इनका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह जो आता है वो पी आर सी सिक्स के ग्रुप पे शेयर कर दे ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए किसी की दुआ लग जाए तो हाँ कुड़वा भी है ठीक है बिल्कुल कुड़वा भी है ठीक है इनको आप गूगल पर सर्च करो इनका नाम नंबर वगैरह आएगा आप इनको कॉल करो इनको बोलो भाई मुझे पी आर सी वन टू तो थ्री फोर फाइव की स्टडी टैक्स चाहिए कितने रुपए की है क्या डिलीवरी चार्जेस होंगे घर पर मंगवा लो कोई गुलशन में रहता है तो ये कॉमर्स बुक पॉइंट चले जाओ अलझामिया चले जाओ कोई उर्दू बाजार के पास रहता है अल्की चले जाओ Uh, और क्या है भाई सर स्टडी टैक्स पेड हाँ अच्छा एक काम ये भी कर सकते हो अगर आप लोग तो स्टडी टैक्स नहीं खरीदना चाहते हो क्योंकि मैं भी इस बात को समझता हूँ मैंने जो है ना वो कॉमर्स बुक पॉइंट जाकर ना अपना मतलब सीए की बहुत सारी किताबें खरीदी और कॉमर्स बुक पॉइंट पर जो साहब होते हैं वो आप मेरा रेफरेंस भी लीजिएगा शायद हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए लेकिन उन्होंने वाकई में मेरी 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 सीए की जर्नी में बहुत मदद करी है मतलब कि सीए में ऐसा होता है ना बाद में आपको मुख्तलिफ किताबों को पढ़ना होता है तो किसी किताब का मुझे पेज नंबर पाँच से दस चाहिए किसी किताब का मुझे पेज नंबर बीस से पचास चाहिए मैं इनके पास जाता था मैं बोलता था ये ये पेज चाहिए मुझे पूरी किताब तो नहीं खरीदनी मुझे जाहिर है वो पैसों की भी एक लिमिट होती है तो वो मुझे बोलते थे कोई बात नहीं बेटा फिक्र नहीं करो ये पेज चाहिए ना मैं तुम्हें फोटो कापी कर ये दे देता हूँ मैं तुम्हें फोटो कापी करके ये दे देता हूँ तो यहाँ पर जो कॉमर्स बुक पॉइंट के ओनर है इनको मेरा नाम भी आप लीजिएगा इनसे अभी भी बातचीत होती है इन्होंने वाकई में टू बी ऑनेस्ट मुझे जो है ना इस लिहाज से बहुत मदद करी है कि मुझे स्टडी मटेरियल चाहिए होता था तो अगर 500 की किताब है ना तो उसमें से अगर 10 पेज चाहिए वो फोटो बनाकर मुझे जो है वो 25 30 रुपए में 40 रुपए में, में मेरा काम करते थे बहरहाल तो आप लोग यहाँ से किताबें ले सकते हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फिजिकल किताब अपने साथ रखें क्योंकि जब आपके पास साथ में किताब होगी आप लैपटॉप से पढ़ रहे हो किताब में आप लिख रहे हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वैसे ये क्लासेस ये किताबें जो है ना ये हम आपको सॉफ्ट में ग्रुप पर भी सेंड कर देंगे आपको जो है वो ग्रुप पर अभी मैं पी टू की बुक्स भेज दूंगा इसी तरह हर टीचर पी आर सी वन टू थ्री फोर फाइव की स्टडी टेक्स्ट आई की आपको ग्रुप में सॉफ्ट में दे देगा सॉफ्ट में आई के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है आई की वेबसाइट पर जाओ सॉफ्ट में आप ये बुक्स डाउनलोड कर सकते हो आपको मिल जाएंगी ठीक है जी कैफ ई बुक्स होती हैं पीआरसी में भी ई बुक्स होती हैं वही मैंने कहा ना आप ई बुक्स यूज कर सकते हो क्यू की कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है पीआरसी आर वन और टू की किताब फॉलो कर लो सिलेबस मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ कुछ देर में उस सिलेबस को फॉलो कर लो और जैसे कि मैंने कहा कि पी आर और वन के शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो आपका हेल्प करेंगे सर आदेश ने की थी कल हाँ कल देखो जाहिद कह रहे हैं कि कल गुरु में जो है ना वो सर हारिस ने पी की किताबें शेयर कर दी थी आप वो यूज कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम है अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खरीद लो तो बेहतर होगा ताकि आप आराम से अपनी कंफर्ट से पढ़ सको लेकिन अगेन उसकी अगेंस्ट एक कॉस्ट होगी 2022 का एडिशन आप किताबों को यूज कर लें कोई मसला नहीं है कोई आप लोगों का अगर सैलानी में पिछले बैच में दोस्त हो उसकी किताबें यूज कर ले कोई मसला नहीं है दो की किताबें लेने की कोई जरूरत नहीं है आपके पास सी ए स्टार अकाउंटेंसी गाइड्स बहुत सारे फेसबुक के ग्रुप्स हैं वहाँ पर आप लिख दें कि भाई किसी ने अपनी पुरानी किताबें देनी हैं सस्ते दामों देनी है मुझे दे दे आपको मिल जाएंगी फेसबुक का टूल इस्तेमाल करें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पर एक्टिव रहें फेसबुक पर जितने सी ए के ग्रुप से ज्वाइन करें वहाँ पर आपने एनोनिमसली पोस्ट कर दें कि भाई कोई अगर अपनी पुरानी पी आर सी की किताबें जो बच्चा कैफ़ में आ गया है वो देना चाहता है बेचना चाहता है तो मैं फिफ्टी परसेंट ऑफ द प्राइस में ले लूँगा ये लिख दें ठीक है ना मुझे कोई कंसर्न नहीं है भाई आप सॉफ्ट में पढ़ो आप नई किताब से पढ़ो पुरानी किताब से पढ़ो बस पढ़ लेना टेक्स की बुक ग्रुप में सारी आ जाएंगी फिर तो भाई नहीं करनी नहीं करनी भाई नहीं करनी भाई, नहीं करनी भाई अगर तुम उसको सॉफ्ट में पढ़ सकते हो तो खरीदने की जरूरत नहीं है पी के पांच पेपर इकट्ठे देने ज्यादा बेटर है हाँ ये अच्छा सवाल है पीआरसी के पांचों छो पेपर इकट्ठा देना अच्छी बात नहीं है क्योंकि अगर आपका पेपर मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे इस तरह से चल रहा है तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा पेपर के बीच में आपको टेंशन हो रही होगी मैं ये रिकमेंड करूंगा पहले दो पेपर्स देना फिर तीन पेपर्स देना पहले दो आसान वाले पेपर्स देना मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पहले फॉर एग्जाम्पल पी आर सी वन दे दो आप लोगों ने पासिंग रेशोज देखे हैं अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं पासिंग रेशियोज देखें आपने आईके की वेबसाइट से कितने लोग आईके की वेबसाइट घूम फिर कर आ गए और कितने लोग अभी नील बटासन नाटा बैठे हो कि हमें जब हमारे टीचर हाथ पकड़ कर आगे लेकर जाएं तो हम आगे बढ़ें वरना हम यहाँ बैठे बैठे सही हैं गप्पे मारेंगे देखो भाई मैं एक काम करता हूँ आई की वेबसाइट से जरा देखता हूँ मुझे सामने सामने ही अगर नजर आ जाते हैं ना रिजल्ट स्टेटिस्टिक्स ऑफ रिजल्ट्स रिजल्ट अच्छा का रिजल्ट भी आ गया भाई चलो तो जरा मैं काम करता हूं, एक मिनट आई के की वेबसाइट पे गए ठीक है जी आई के की वेबसाइट पे जाकर और हम चले गए स्टडी रिसोर्सेस नहीं एग्जामिनेशन में गए एग्जामिनेशन में स्टेटिस्टिक्स ऑफ रिजल्ट्स में गए और मैं एक काम करता हूँ सितंबर तेईस अभी क्या चल रहा है अक्टूबर ना पिछले महीने का रिजल्ट डिस्कस करते हैं चलो पिछले महीने का रिजल्ट आप लोगों के साथ पी का और क्यू का डिस्कस कर लेते हैं क्या जी ये हम आ गए यहाँ पर पेस्ट कर दिए ये देखिए ये पिछले महीने का रिजल्ट है ठीक है ये पिछले महीने का आप लोगों का रिजल्ट है क्यूएटी का रिजल्ट देखें भाई क्यूएटी में नब्बे बच्चों ने पेपर दिया उन्नीस ने पास किया सिर्फ इक्कीस परसेंट बच्चे पास फिल ठीक है जी यानी कि क्यूएटी में आपने बड़ा ख्याल रखना है बहुत बच्चा फेल होता है और रीजन यही है कि उसका वो इसको फॉर ग्रांटेड ले लेता ले है ना कि यार अबे ये ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे अच्छा आप देखो जो मेन पेपर्स हैं, उसमें आप ये देखोगे कि इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टू तो बिजनेस का और बी डब्ल्यू सी एस का पासिंग रेशियो ज्यादा है ठीक है ना और अकाउंटिंग का फोर्टी फाइव है और क्यू एम का फोर्टी थ्री यानी कि सबसे कम चल रहा है तो देखो मेरी जाती रिकमेंडेशन ये होती है अब ये तो एक रिजल्ट है ना आप पिछली पांच छह अटेम्प्ट के रिजल्ट आई की वेबसाइट से डाउनलोड कर अपनी स्ट्रेटेजी अपना एक एक विजन बनाओ भाई मुझे इस तरह से ये चीज़ें करनी है मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप बी जो है ना वो सबसे पहले करना सबसे पहले और आप कर लें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इन दोनों के सिलेबस जो है ना वो कंपैरेटिवली कम है पचास पचास घंटे के सिलेबस हैं आप लोग सौ घंटे में जो है ना अगर मेहनत मेहनती बच्चे हो बुक की रीडिंग करते हो टीचर की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो लेक्चर देखते हो आराम से कर लोगे इंट्रो टू तो अकाउंटिंग और क्यू जो है ना वो बिल्कुल एंड में देने वाले सब्जेक्ट हैं वो दोनों आपके एक सौ या डेढ़ सौ डेढ़ सौ घंटे ले लेंगे इकोनॉमिक्स जो है वो उसका पासिंग रेशो जो है वो मिड में आता है वो जो है वो आपके सौ घंटे लेगा या शायद आ, अस्सी घंटे लेगा इधर हम सिक्सटी सिक्सटी कर लेते हैं चलो तो आसान से स्टार्ट करो पहले आप दो पेपर्स दो ठीक है ना मेरी रिकमेंडेशन ये पहले आप दे दो दो पेपर्स ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो फेब में फेब के महीने में अगर आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी तीन महीने हो फेब में मेरी रिकमेंडेशन है फेब में आप दे दो बी एंड आई और फिर सैफ के बाद मार्च के महीने में आप जो है ना इको अकाउंट्स और क्यूएम दे दो ठीक है ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है बाकी हर कोई अपने हिसाब से अपनी चीज़ें प्लान कर सकता है जाहिर देखो एक साथ अगर पाँच सबके की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ना तो बच्चे परेशान हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होंगी जिस ना अभी दो दो क्लासेस इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ही हो गई भाई बहुत हम लोगों को एक माइंड बन गया कि भाई ये इस तरह से जो है ना वो क्लास हो रही है ये अब क्यूएम स्टार्ट हुआ इसी तरह से आने वाले दस पंद्रह दिन में जो है वो बी डब्ल्यू सी एस पंद्रह दिनों के अंदर अंदर सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी टाइम टेबल भी आप लोगों को फिक्स मिल जाएगा देखो मैं कोर्स कंप्लीट कब कर करवाऊंगा जैसे कि मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऊपर कहा कि मुझे चार महीने चाहिए होंगे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये चार महीने हम पढ़ेंगे मार्च में आप पेपर दे देना और सवाल बताएं भाई हाँ जी सर इकर, एक मेकेडिकल से है काइंडली आपके बेसिक लेक्चर से दो और भाई तो आप लगता है तुम अभी अभी आयो हो ज़रा इस सेशन की रिकॉर्डिंग देखना मैंने शुरू में ये कहा कि भाई मेडिकल वाले क्यूए के लेक्चर ज़रूर देखे हैं अच्छा सो से ज़रा आप कंप्लीट पी एस सी टू की प्रिपेसन करवाओगे अच्छा जुनेद मुझे लगता है तुम भी अभी आए हो मैंने ये डिस्कस किया कि भाई मैथ्स में और स्टेट सर नहीं करवाएंगे तो रिकॉर्डिंग जरूर सेशन की तो कितना टाइम लगेगा अगर अलग अलग पेपर देंगे टोटल सिक्स मंथ अरे भाई देखो पढ़ना और पेपर देना दो अलग बातें हैं पढ़ने तुमने पांचों सब्जेक्ट पढ़ने तुमने पांचों सब्जेक्ट अभी 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 हैं नवंबर में पांचों सब्जेक्ट दिसंबर में पांचों सब्जेक्ट जनवरी में पांचों सब्जेक्ट फरवरी में पांचों सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही होंगी लेकिन जैसे ही कोर्स खत्म होगा तो फरवरी में तुम दो पेपर दे देना आसान वाले और तीन पेपर मार्च में दे देना ऐसा नहीं करना कि अभी दो पढ़ लू फिर दो दे दू फिर फरवरी में फारिग हो जाऊं फिर बाकी तीन की क्लासेस अगले बैच में स्टार्ट करूं फिर वो खत्म करूं जिंदगी चली जाएगी जाएगीब क्या है वाह 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 मानूर अच्छा सवाल है भाई तुमने शायद ओरिएंटेशन नहीं देखी है शुरू की वीडियोज नहीं देखी है तुमने जो छह सात इंपॉर्टेंट वीडियोज थी जिसमें एस एफ एस क्या है आई कैफ क्या है क्यू आई टी क्या है सी ए क्यों कर रहे हैं कैसे करें क्यों ना करें ये सारी वीडियोस थी कुछ तो वो काइंडली मानूर आप देखें सेवन इकोनॉमिक्स पढ़ाई है बी ए में तो मुझे पेपर देना होगा बीआरसी आर सी में केवल आपको आई कैप बताएगा बी ए अगर आपने किया है आ, किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो लाड़काना में जो है वो किसी छोटे मोहल्ले की छोटी सी यूनिवर्सिटी थी और उसकी इतनी अच्छी रैंकिंग नहीं है तो एक्जशन भी नहीं मिलती है और अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से करी है और जो आप आप क्या करो आप मैंने अगेन कहा ना कि एक तो आई के की वेबसाइट पर एग्जामिशन क्राइटेरिया गूगल आई के की वेबसाइट पर सर्च करो दूसरा यह है कि आई के की वेबसाइट पर जाओ आई के एफ डॉट ओ आर जी डॉट बी के यहाँ पर लिखा हुआ है मंडे टू फ्राइडे के बीच में यहाँ पर नीचे एक व्हाट्सएप का चैट बॉक्स आता है चैट बॉक्स को ओपन करो उसमें आप अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताओ ईयर बताओ और रेलिवेंट जो भी डिटेल्स हैं वो बताओ मार्क्स बताओ तो वो आपको बता देंगे कि कितनी एग्जामेशन हैं वो कर लो, उस आप अपनी डिटेल भेजो जब आपके पांच छह दिन के बाद वो बता देते हैं भाई आपकी कितनी एग्जामेशन बन रही है किस किस सब्जेक्ट में बन रही है बन भी रही है नहीं बन रही है क्यों नहीं बन रही है सब बता देते हैं। अच्छा और क्या है सर जी आई केफ में रजिस्ट्रेशन करा ले हम अब क्या नहीं आईके अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओ पाँच छह दिन सात दिन रुक जाओ जैसे ये बैच की क्लासेस फाइनल होंगी तो एस एफ एस प्रोग्राम के फॉर्म सर्कुलेट होंगे और सैलानी जो है जो उसके थ्रू हो सकता है कि आपके पास जो है वो आप एस एफ एस के क्राइटेरिया में फॉल करो तो एग्जामेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए तो अभी इतनी जल्दी नहीं करो दस दिन रुक जाओ दस पंद्रह दिन रुक जाओ अच्छा सर आप लोग टेस्ट लेंगे या एग्जाम्स देखो भाई मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ आप लोगों का जो मेन पेपर होगा ना जो मेन पेपर होगा वो कौन लेगा डिग्री कौन देगा सर्टिफिकेट कौन देगा लाइसेंस कौन देगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ICAP देगा हम आपके टेस्ट पेपर और मॉक जो लेंगे वो आप लोगों की इसलाह के लिए होंगे आप लोगों की टेस्टिंग के लिए होंगे आप लोगों को फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए होंगे टेस्ट होंगे मेरे हर चैप्टर के और फिर फाइनल का एक मैथ्स का और स्टैट्स का इस तरह से मॉक हो रहा होगा उसकी कोई इंटरनल है उसकी उसकी सिर्फ आपकी असेसमेंट होती है आप समझ लो तो ये ट्यूशन है बोर्ड आपका आई है अच्छा सर यूनिवर्सिटी ऑफ अच्छी यूनी है एवरेज है या बिलो एवरेज है मिर्जा ये यार आई कैप बता सकेगा ठीक है मुझे आ, सची में यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट रैंकिंग मालूम नहीं है और देखिए तुम आई कैप से अपनी सारी चीजें भेजो तो सर आज स्टडी नहीं होगी क्या बिल्कुल होगी जो मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि किसी की कोई प्रॉब्लम ना रह जाए किसी की कोई क्वेरी ना रह जाए उसके बाद में पढ़ाना चाहूँगा चाहे एक दिन लग जाए लेकिन यह कि जब हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले सबके मसले हल हुए हुए अच्छा जी और बता दें भैया और किसी का कोई सवाल है तो मैं उसको भी एड्रेस कर दूं बताएं 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 टाइमिंग्स क्या है क्लासेस की आयशा नेक्स्ट वीक जो है ना तकरीबन फिफ्थ ऑफ नवंबर के पास आप लोगों को एक फिक्स्ड टाइम टेबल मिल जाएगा क्लासेस जनरली हफ हाँ, दिन में दो सब्जेक्ट्स की होंगी ठीक है दो क्लासेस पर डे होंगी अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं पिछले बैचेस में भी ऐसा देखा गया बहुत सारे लोग जो है वो उनके घर लाइट नहीं होती है इंटरनेट का मसला होता है जॉब कर रहे होते हैं क्लासेस का टाइम उनके घर के दिग्गर दूसरे मामला के टाइमिंग से मैच नहीं कर रहे होते तो उसका सीधा सीधा सा हल ये है कि आप जो है ना वो सैलानी का पोर्टल ले लो सैलानी का जो पोर्टल है ना उस पर आपके पास सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे आपको एक यूज़र आई पासवर्ड दिया जाएगा आप अपनी अपने हिसाब से आप जो है वो पोर्टल पर गए पोर्टल पर जाकर जो है ना आपने लॉगिन किया यूजर आईडी पासवर्ड डालकर हाँ भाई ये सतह की पहली क्लास है ये सतह की दूसरी क्लास है ये सतह की तीसरी क्लास है आपने उसी तरतीब में वो क्लासेस ले ली जिस तरतीबे में लाइव क्लासेस चल रही है जिस तरह से आज की क्लासेस तो आज की क्लास भी पोर्टल पर भी अपलोड हो जाएगी तो उसकी जो फीस है वो कोई खास नहीं है हज़ार या पंद्रह सौ रुपये है पंद्रह सौ रुपये तो मेरे ख्याल में आप अफोर्ड कर सकते हो यहाँ पर दूसरे इंस्टीट्यूट जो है वो पंद्रह हजार बीस हज़ार चार्ज करते हैं तो ये हल है अच्छा सर आप जितना मसला पूछेंगे उतने प्रॉब्लम हाँ रशीद मुझे पता है लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी में समझता हूँ कि मैं जो है वो बच्चों के सारे मसले हल करूँ तो आपको भी सब्र करना पड़ेगा मैं भी तेरह साल से सत्तर अस्सी बैचेस से सबर कर रहा हूँ और पहली क्लास में जितने सवाल होते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूँ मुझे मालूम है कि पहली क्लास में बहुत कम पढ़ाई होती है या नहीं होती है या मिनिमम होती है लेकिन ये बातें भी जरूरी हैं ताकि किसी को कोई मसला हो तो वो हल हो जाए ना अच्छा सर क्यू एम के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए लेक्चर्स के साथ लेक्चर्स देखो और आके स्टडी टेक्स के पीछे सवाल है वो सॉल्व करो ये मैं गाइड करता रहूंगा जैसे जैसे आप पढ़ोगे सर अटेंडेंस का कोई इशू तो नहीं होगा मैं यूनी में भी जाता हूँ बिल्कुल होगा बिल्कुल लाजमी होगा अटेंडेंस का इशू सैलानी की एक पॉलिसी है कि आप दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हो नंबर वन आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हो किसी की कोई यूनिवर्सिटी है जॉब है काम करता है लाइव क्लासेस में नहीं आ सकता तो उसने रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए इन रोल होना अगर रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए इन होते हो फिर तो आप अपनी मर्जी से लेक्चर्स देख रहे हो फिर अब अगर आप लाइव क्लास में नहीं आते हो और अटेंडेंस मार्क नहीं होती है मसला नहीं है अगर नहीं लेकिन अगर आप पोर्टल नहीं लेते हो रिकॉर्डेड वाला कौन होगा जिसने पोर्टल लिया हुआ होगा लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड नहीं लेते हो और लाइव आते हो और लाइव में आप दो या तीन दिन नहीं आते हो तीन दिन नहीं आते हो तो आपको रिमूव कर दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप से ताकि सिर्फ वो स्टूडेंट्स बच बजे जो सीरियस हैं सिंसेअर हैं और पढ़ना चाहते हैं अगर आप सीरियस हो सेंसियर हो तो या तो आप लाइव आओगे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी जाते हो जॉब करते हो और आप सीरियस हो सेंसियर हो तो जाहिर है आप पोर्टल के थ्रू लेक्चर्स जो है वो देखा करोगे और तो कोई बात नहीं हुई ना ये वाली क्लासेस यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी पहली तीन क्लासेस हर सब्जेक्ट की मिलेंगी फर्स्ट थ्री क्लासेस ऑफ एवरी सब्जेक्ट आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब एवरी टाइम ठीक है पहली तीन क्लासेस डेमो होती हैं पहली तीन क्लासेस सर हसन की पहली तीन क्लासेस मेरी पहली तीन क्लासेस सर नईन की पहली तीन क्लासेस सर सगीर की यानी कि पंद्रह बीस की क्लासेस आपके यूट्यूब पर सैलानी पर अपलोड हो रही होंगी उसके बाद अपलोड नहीं होंगी उसके बाद आप या तो लाइव लोगे क्लास या तो आप रिकॉर्डेड पोर्टल के थ्रू लोगे और अगर आप लाइव लोगे और तीन दिन नहीं आए तो ग्रुप से आपको तो रिमूव कर दिया जाएगा सर आई की रजिस्ट्रेशन का बता दें कब करवाएं या बाद बेटा बाद में करवानी है अजीम मैं गाइड कर दूंगा पंद्रह बीस दिन बाद जरूर इनशाला सर, सर सर की वेटी के पेपर कब होते हैं बेटा अमार ये भी मैं जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में गाइड करता हूँ आप तैयारी शुरू करो मैं आपको डेट जो है वो देता हूँ वैसे तीन तीन महीने पे सितंबर दिसंबर मार्च इस तरह से हो रहे होते हैं अब दिसंबर या मार्च आपके हैं। सर रिकॉर्डेड लेंगे तो लाइव में भी एक्सेस मिलेगा गाना बिल्कुल मिलेगा अगर कोई रिकॉर्डेड पोर्टल लेता है तो वो ग्रुप पर भी रहता है और उसके पास ऑप्शन होता है कि वो लाइव भी देख सकता है और रिकॉर्डेड भी देख सकता है सर बेटे कितनी स्टडी करनी चाहिए सिक्स टू एट आवर्स एवरेज अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो अगर फुल टाइम स्टूडेंट हो दो स्टूडेंट्स है ना एक फुल टाइम है एक पार्ट टाइम है फुल टाइम स्टूडेंट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सिक्स टू एट आवर्स पढ़े और उसका पी आर सी चार महीने में हो जाना चाहिए अगर पार्ट टाइम स्टूडेंट हो जॉब है रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली है कमाना भी है साथ में कुछ और भी कर रहे हो तो अगर थ्री आवर्स डेली पढ़ लेते हो तो थ्री आवर्स डेली पढ़ो उस केस में आप चार महीने नहीं आ, शायद पाँच महीने आपको लगेंगे अच्छा पाँच महीने क्यों सिर्फ एक महीना ज़्यादा क्यों इसके क्योंकि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने पहले ही डी कॉम बी बी एम बी ए, 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 ए कुछ ना कुछ किया होगा तो उसकी वजह से आपके पास नॉलेज भी होगी और और, और, और क्या सर, सर की क्यूटी लेक्चर्स भेजे थे आपने जो वो देख लेने चाहिए बिल्कुल आफ्ताब देख रहे हैं वो बिल्कुल देख रहे हैं और आफ्ताब काइंडली उसको रीशेयर भी कर दो जैसे कि मैंने कहा कि कोई बच्चा वीक है मैथ्स में कोई बच्चा प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल का था किसी ने दो साल से मैथ्स नहीं पढ़ी है किसी की मैथ्स वीक है किसी के मार्क्स सिक्सटी फाइव परसेंट सेवेंटी परसेंट से कम आए हैं तो वो उन लेक्चर्स को एक बार फास्ट फॉरवर्ड में जरूर देखें सर जी हार्ड वर्क करें तो क्या तीन मंथ्स में पीआरसी पास कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो महीने में भी, भी कर सकते हो बेटा एक महीने में भी कर सकते हो अगर तुम पढ़ना शुरू करो सोना छोड़ दो खाना तीन टाइम खाते हो तो एक टाइम खाना कर दो ठीक है ना ताकि वो थोड़ा सा टाइम वहाँ पे बच जाए नहाते अगर रोज हो तो हफ्ते में एक दिन नहा लेना सही है ना तो ये सारा टाइम बचा कर एक महीने में भी हो सकता है उसके बाद क्या है भाई सर पी आर सी टू में कितने चैप्टर्स हैं ऐसा लगता है आपने अभी अभी ज्वाइन किया है बेटा पीआरसी आर टू में टोटल पंद्रह चैप्टर्स हैं छ मैं पढ़ाऊंगा बाकी सर नहीं पढ़ाएंगे शुरू की रिकॉर्डिंग ज़रूर देखना सर अगर कोई बी कर रहा हो तो क्या साथ साथ वो सीए के लिए एलिजिबल हो सकता है बिल्कुल मैंने भी मैंने भी ये मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ ना मैंने भी सी ए साथ साथ किया है और यकीन मानो आज मुझे बी की कोई ज़रूरत नहीं है सी ए सी सी ए पी डबल ए आई सी एम ए कोई आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी तो आपकी वैल्यू भी कम से ज्यादा ही है लेकिन साथ में कर लो क्योंकि लोगों का एक बार मिसकनसेप्शन है पुरानी बातें होती है ना लेकिन सी ए डिग्री तो नहीं है सर्टिफिकेट है अबे भाई पैसा तो दे रहा है ना वैल्यू तो ज्यादा है ना डिग्री नहीं है तो क्या हुआ सर्टिफिकेट है प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो दुनिया मानती है ना तो मेरे ऊपर भी यही प्रेशर था कि यार ये तो तुम सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो डिग्री तो नहीं कर रहे हो तो बीकॉम कर लिया लेकिन यकीन मानो ओरिजिनल वाली सेकंड ईयर की मार्कशीट के यू में पढ़ी हुई है पता नहीं दस साल से मैं उठाने भी नहीं है तो कर लो अगर घर वाले बोलते हैं पीआरसी आर के लिए कुछ टिप्स दे रहे हैं सर नहीं वो पी आर के, के टीचर आपको सर सखीर है उनकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो देंगे भाई अब सारे सवाल हो गए डन सर ओके सर यस सर लिख दो तो हम कुछ पढ़ना भी स्टार्ट कर दें सही है अच्छा आप लोगों को आज क्योंकि पहली क्लास है तो ज़्यादा तो नहीं पढ़ाता था लेकिन अल्बत्ता हम पढ़ना शुरू कर देते हैं अच्छा पहले तो मैं आप लोगों को होमवर्क लिख दूं बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ऊपर ही होमवर्क में दे दी है क्या होमवर्क में दे दिया है भाई होमवर्क होमवर्क नंबर वन ये है कि आपने पी आर की स्टडी टेक्स्ट अरेंज करनी है होमवर्क नंबर टू ये है कि अगर अगर किसी ने प्रीवियस छ लेक्चर्स जो कि सी ए क्या है क्यू ए टी क्या है एस एफ एस क्या है उसके बारे में नहीं देखे वो उसने देखना नंबर थ्री अगर कोई आज लेट आया था तो ये वीडियो लाजमी देखनी है नंबर फोर लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर्स लिस्ट ऑफ कैलकुलेटर्स आई केफ की वेबसाइट पर है वो डाउनलोड कर कर ग्रुप में शेयर करनी है नंबर फाइव पोर्टल के लिए हारिस से डिटेल्स लेनी है ठीक है ना नंबर सिक्स एसएफएस प्रोग्राम जो है उसके बारे में पूरी मालूम लेनी है ताकि अगर उस क्राइटेरिया में आप फॉल करते हो तो आपने पेपर की फीस भी नहीं देनी सैलानी की फीस फीस नहीं देनी और फ्री में पूरा का पूरा सीए कर लेना है तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों तो को ऑलरेडी बता चुका हूँ और हाँ क्यू के लेक्चर्स चाहे 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 आप जो है वो क्लियर हो आपने एक बार फास्ट फॉरवर्ड में व्यू करने हैं और अगर क्यू के स्टूडेंट हो तो तो और गाइडेंस भी मैं दूंगा वो आपने फॉलो करनी है ठीक है अच्छा वीकली टाइम टेबल वीकली टाइम टेबल आप लोगों को जो है ना प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे तक मिल जाएगा जिसमें सारे टीचर्स की क्लासेस होंगी अच्छा सर आपकी क्लासेस क्या होंगी इनिशियली इनिशियली पहले पंद्रह दिन में पहले पंद्रह या बीस दिन के लिए यानी कि पहले एक दो हफ्ते के लिए आप लोगों की मेरे साथ जो क्लास होगी वो सिर्फ और सिर्फ एवरी सैटरडे होगी क्लासेस पर वीक ठीक है ना कब से फ्रॉम फिफ्टींथ नवम्बर ठीक है चोटी के लिए हाय अल्लाहताब तीन चार बार बता चुका हूँ बेटा तुम लेट आए हो तो तुम रिकॉर्डिंग अच्छा है। है, का सारे प्रॉब्लम्स रिजोल्व करवा देता हूँ लेकिन आने वाली क्लास से आपके पास पी टू की स्टडी टेक्स्ट लाजमी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर वन स्टार्ट कर रहे होंगे और चैप्टर नंबर वन जो है उसमें बेसिक मैथ्स है प्लस माइनस एट सब डिवाइड मल्टीप्लाई और उसके अलावा कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली बातें हैं तो हमें ये स्टार्ट करनी होंगी क्यू की क्लासेस के लिए आयशा इस लेक्चर को दोबारा से देखो और फिर मैं गाइड करता हूँ आपको मजीद ठीक है और बताओ भाई जो लोग शुरू से, से सेशन में नहीं थे उसने ये उन लोगों ने ये सेशन शुरू से भी देखना है ठीक है तो आई बिलीव मैं आप लोगों की सारी बातों का वो एड्रेस कर चुका हूँ काइंडली अगर आपने ये सेशन लेट ज्वाइन किया है तो काइंडली आप जो है ना वो आ, इस सेशन को दोबारा से एक बार देखें और फिर इनशाला नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें बिल्कुल मेंटली तैयार रहिएगा पढ़ने के लिए सही है नहीं आज नहीं कर रहे सिर्फ एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं ताकि सारे लोग जो है वो प्रॉपरली चीज़ें कवर कर सको कर चुके हो और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दे भाई सर कुछ तीन सब्जेक्ट्स बेटा पढ़ना शुरू करोगे खुद ही मैनेज हो जाएंगे खुद ही टाइम टेबल बन जाएगा अच्छा अतश मैंने क्यूएटी के बारे में कुछ चीज़ें बताई आपको एस एफ एस प्रोग्राम के बारे में बता दें उसके लिए ऐसा एक वीडियो लेसन है वो आप दोबारा से देखो एस एफ एस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी आई की जो पूरी फीस होती है ना वो हंड्रेड परसेंट वेव हो जाती है माफ़ हो जाती है सही है लिंक आप हारिस को बोल दो कि छः सात वीडियोस जो हैं जिसमें एस एफ एस क्या है क्यू टी क्या है सी ए क्या है बशीर फारूकी साहब की जो वीडियो है जो लिंक्स पहले ग्रुप पर फॉरवर्ड करे थे वो आपसे रीशेयर कर दे तो हारी रीशेयर कर देगा अच्छा आफ्ताब तो वक्त के साथ साथ इनशाला हो जाएगा कोई मसला नहीं है चलो मेरे ख्याल में मैंने बहुत सारी क्वेरीज को आंसर कर दिया है इनशाला नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे आप लोग अपना होमवर्क जरूर कर कर आना ये जो होमवर्क मैंने दिया है ये बहुत ज्यादा जरूरी है फिर भी आप लोग तो पाकिस्तानी हो तो मुझे पता है अगली क्लास में अभी भी दो बच्चे रोते हुए आएंगे कि हमें अभी तक पीआरसी टू की स्टडी डेस्क अरेंज नहीं करी लेकिन कर लोगे तो आप लोगों को तो का ही फायदा है ताकि मैं जो पढ़ाता जाऊँ वो आप स्टडी में देखते जाओ और वक्त पर आप कवर करते जाओ डन हो गया चलो जी हाफिज़